का गुजारा चलता है। और यह सिलसिला चलते चलते लगभग 8 साल का समय हो जाता है और लड़के सत्यवान की उम्र 12 साल से बढ़कर के 21 साल की हो गई। और एक रोज भगवान ने उस बच्चे की किस्मत बदली। सर के ऊपर लकड़ियों का बरोट्टा, हाथ में कुल्हाड़ा, उभाने पैर, बनखंड से शहर की तरफ जा रहा था। वो राजशाही ठाट बाट याद कर रहा था और रो रहा था, कह रहा था क्या हेलो बोझ भाई आज कुल्हाड़े मेरे हाथ में तेरे तो चले रुजगार रस्सी बंद मेरी कमर के तेरे तय कर लूं प्यार केरे लोगो सत्यवान अरे वो सत्यवान माँ बापा के अरे दुख बांटने वाले रहोगे ये राज करनी है बालक लकड़ी और काटने वाले रे सत्यवान बापा के हार देनी है आज नाटने राज करनी है बालक लकड़ी जिस इंसान का समय डिग जाता है उसका शरीर का कपड़ा भी दुश्मन हो जाता है। पूछ भैया और दुश्मन भी प्यारे में मा जाए भाई
जात के नारे हो जाए भाई और कोई अभी नहीं पास बैठावे ये तो दुश्मन सारे रे हो जाए पत पड़ी वे ये राज करनी है बोल पड़वा रे हो जाए पड़वा रे जो गैल मरण की मरण की वो रहा भर रे थे वो तो पटन यारे ये राज करनी बालक लकड़ी संग के साथी सरे लौटे यारे राज करनी भारत लखीड़ी हो गए देवान बाबा पाए तू बदले यारे हो गए नमस राज करनी ये भाई सोमवीर जी दैया टिकडाना से शोर बेशोर मान सम्मान करते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और ये श्रीमान कृष्ण सिंह जी खलीपा ग्राम मानेरू से वो भी शोर भी सम्मान करते हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी विनोद से ही वो भी अपनी तरफ से शोर भी सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा से श्रीमान प्रताप जी पंडित जी पूरा ग्रामपुरा से पंडित जी महाराज प्रताप जी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं और ये पुरा से ही राम अवतार जी पंडित जी महाराज वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और ये 100 रुपये बड़े भाई साहब श्रीमान सतवीर जी जाखड़ अपनी तरफ से बतौर आशीर्वाद 100 रुपये सम्मान करते हैं बड़े भाई साहब का कोटि कोटि धन्यवाद से आप जमाने के बाद आए
के अंदर बताया सुनानी रे कथा सुनाने होगे मगद देश में क्या बात है अश्वपति के सावित्री शरण होए ब्राह्मण कहे लगे राजा पद छोरी ब्याड़ी बापुड़ा से डॉक्टर साहब श्रीमान महावीर जी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं। सजनों बताया कि रहते रहते सत्यवान की जगह पुरानी होगी, धर्म कर्म व्रत जाननी ने यह कथा सुनानी होगी। मगध देश में राजा अश्वपति के घर पे वो बेटी सावित्री स्याणी होगी और ब्राह्मण न्यू कहने लगे राजा अब यह छोरी इतने ब्याणी होगी। गुरु मंगल चंद ब्याह वर्गे छंद छटन आले हो गए और राज करनी है बालक भी लकड़ी काटन आले हो गए। इधर मगध देश में राजा अश्वपति के घर पे सावित्री नाम की लड़की शिवासन हो जाती है, स्याणी हो जाती है। राजा अश्वपति महाराज उस लड़की की शादी के लिए 17 बार स्वयंवर रचते हैं। क्या करोगे? ये महाराज अश्वपति अपने मंत्रियों से, अपने ब्राह्मण से, अपने नाई से सलाह मशवरा करते हैं कि इस लड़की के लिए 17 बार स्वयं बरस दिया लेकिन इस लड़की के लायक लड़का मुझे नहीं मिला। अब इस लड़की का रिश्ता कैसे करूं, इसकी शादी कैसे करूं? देखिए वो विद्वान मंत्री, राजा के विद्वान ब्राह्मण और उस राजा का चतुर नाई उस लड़की की शादी कहां करने की सलाह देते हैं। देखिए राजा अश्वपति उस लड़की का विवाह कहां करते हैं, सुनिए और देखिए। हेलो, मैं चलता हूं, जो मेरा मित्र है नाई कोकू उसके पास चलता हूं। अरे कोकू, अरे कहने ठोकू, तेरा घर कहने ठोके मारे घरा उन ठोका। अच्छा घरा आयोड़ा को या को स्वागत करा करा के? बिल्कुल। अरे बाहर आके बात कर। बाहर को ले आऊ मैं तो काम लाग रहा हूँ। के काम लाग रहा है भाई? भाई बाल काटू हूँ। किसका? काटडू का। वाह भाई वाह, जुजमाना की डाडी कटिंग करता नहीं बहुत देखा। काटना का बाल तू ही काटे है। मैं भाई सिर काटना छोड़ दिया। अरे सिर की बात नहीं, बाहर आके बात कर। अरे नायन, अरे छोड़ मने के बाद छोड़ दे मने, तू बहुत दिन थे छोड़। बाहर कोई आदमी आवाज देवे सतने नाश गए, भीतर बड़ा रह कर सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दे। अरे तेरे बिना मेरा जी नहीं लग। ओहो राजा स्वपति। अरे कोकू, अरे यार बहुत बड़े हो गो, आधा घंटे से तेरे गेट पर खड़े। ए महाराज, बाल काटना छोड़ दिया, सिर काटना छोड़ दिया, बकवास कर रहे हैं। महाराज मैं तो न्यू सोची आ कोई सिर कटानी है। अरे सिर नहीं कटिंग करवानी, बाल कटाउनी है। बोल वो बाल कटानी है। देख तू मेरा मित्र है। हाँ। इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। क्यों? कि हमारी जो राजकुमारी है सावित्री, तुम्हारी जो लड़की सावित्री,
अब वो सियाणी हो गई है। सियाणी होगी तो गौशाला में छोड़ दो। पागल, गौशाला में छोड़ दे, वो कोई गाय है तो तभी को सियाणी होगी। अरे मेरे कहने का मतलब है कि शादी के योग्य हो गई है। तो न्यू को छोरी को ब्याह करना कोडे को होगी। लड़की 18 साल की है। छोरो कोड चाहिए। लड़की 18 साल की है तो लड़का कम से कम 20 साल का होना चाहिए। और 20 साल का ना मिले तो 10-10 साल का दो ले दू। अरे दो का केक रखा। एक मरे एक त्यार रहे भाई, रांड कोने खुटो खाली कोने रहे। ओम प्रकाश की डाल पहले ही पूरी सोचता है तू। शकुटर का 30 रुपये को लगे। अरे तो वो कई मशीनरी है, क्या तू स्टेप नहीं लगा देगा? अरे ये स्टेप नहीं तो मेरी माँ खिला गुड़ी। अच्छा मारा वो कैसे? मारा ताऊ का ब्याह आई। अच्छा मारो ताऊ मना 3 जियो। अच्छा। और पाछा मारा मामा मारा बाप ना रुपये देगा भाई। मारी बीत बैठ के घर की बीत घर में घेर ली। अच्छा और पहले रक्षा भी करता टूट फूट में एक आध दो रांडो। अच्छा हाँ कैसा घर देखना चाहिए? देखिए कोकू, हाँ जहाँ भी रिश्ता करो राजकुमारी का जी, वह उसको सासू का, ननद का, देवरानी का, जिठानी का किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। भाई सासू ननद देवर जिठानी कोई दुख ना हो, फिर बाबा जिया का करो उठे सासू ननद को ना। अरे ऐसी बात नहीं है, परिवार सब हो लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित परिवार होना चाहिए। पुलिस लाइन में करो फिर। अच्छा पुलिस वाला ज्यादा पढ़ेड़ा है? हाँ तो यार कोकू मेरा दिमाग खराब करे वो। राजन मैं घर देखता हूँ तो बर नहीं मिलता है। अच्छा बर देखता हूँ तो घर नहीं मिलता है। छोटी मोटी ढाणियां कर शहर के हर जगह में थकित हो चुका हूँ। अच्छा क्या करना चाहिए तो? क्यों मेरे को चिंता है आपके? हाँ मेरा मित्र है तू। क्यों नाई वफा होता है? पिताजी प्रणाम। प्रणाम आयुष्मान भाई। देखिए पिताजी आज मंत्रियों के साथ में किस बात की चर्चा है और आज आपका चेहरा भी उदास है। बेटी तेरी शादी के बारे में विचार चल रहा है। तो क्या सलाह है मंत्री? 17 बार तो मैं स्वयंवर रच चुका हूँ जी, और हमारे नाई और पंडित जी सब थक चुके हैं। हाँ। सभी राज्यों में सभी रियासतों में जाकर के आपके लायक कोई वर नहीं मिला है, इस बात की चिंता है। तो क्या कहना चाहते हो? और इसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे कोकू नाई की और पंडित जी की मंत्रियों की सबकी सलाह है कि आपकी जो पसंद होगी वो हमारी पसंद होगी, आप अपना वर स्वयं तलाश करेंगे। अच्छा। और इन रेणो सम न तो रेणो को मतलब मेरा पति खुद तलाश करूं? खुद। ठीक है पिताजी, जितनी मेरी सखी सहेली है वो सब मेरे साथ में होनी चाहिए। बिल्कुल होंगी। खाने पीने का प्रबंध और रथवान बिल्कुल व्यवस्था करवाइए। व्यवस्था करता हूं। रथवान आप सावित्री के साथ जाओगे जी, ये जहाँ जाने के लिए कहेगी वहाँ जाओगे जी, उनके खाने पीने का प्रबंध करो, उनकी सखियों को बुलाओ। सखियों को ए छोरियो, ये सावित्री पति ढूंढने खातर जा रही है। अच्छा चलो बहन नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार बहन। हाँ आपके पिता की आदेश है। हाँ के सावित्री के साथ जाओ और सावित्री का पति तलाश करवा कर लाओ। अच्छा तो बहन हम आपके साथ चलती हैं। चलिए बहन नमस्कार। नमस्कार कड़ा जा रही है तेरा जीजा देखने? तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, मेरी तो हो गई। अच्छा तुम्हारी शादी भी हो गई? हाँ ये सारे बालक मेरे ही से। अच्छा हाँ और तो फिर वीर बनी शक मुर्गी फार्म। और बहन मन नहीं बता बोलो पति भी मन टोना पड़ेगा। ए मेरी बात सुन ले। हाँ अपना आप टोने में सुतरा मिलेगा, मन पसंद मिलेगा। अच्छा और जो ज्यादा ताव लाग रही हो तो इनमें तो पसंद कर ले। अच्छा हाँ तो चलो क्या गिरफ्तार क्या वर्णन दिया है? हाँ जी हेलो हेलो गोजोड़ी बहुत अच्छे बेटे बबलू राणा टोवन खातरे सावत्री करे ध्यान चलिए ओ डरे पेरे ओ खाने पीने का ओ सब लेके सामान चली ओ जोड़ी का ओ है तू
भरतलाल जी योगी हलवाई साहब बहुत सम्मान कर चुके हैं, 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। और वो सावित्री कहाँ जाती है? पहली बार परत खंड हरी खंड रमायत धूम के तू माल गई हो जब तू क्रोचा शाक सलम पर शाम दीप नेपाल ताले वो पाल गई जब जा मुलियारे फिरे हैदराबाद बंगाल गई पंजाब बिहारे यूपी से फिरे हैदराबाद बंगाल गई जित मन की चाहिए से और 100 रुपए ग्राम मानेरू से ये कृष्ण जी चौधरी साहब वो सम्मान कर चुके हैं। बहन सावित्री हाँ ये कलकत्ता गया कलकत्ता और ये हमारे कृष्ण सिंह जी खलीफा साहब पहलवान साहब वो भी 100 रुपए सम्मान कर चुके हैं। हाँ, ये कलकत्ता गया कलकत्ता और बहुत सम्मान कर चुके हैं। आपकी पसंद है? देखिए बहन हाँ इस आगे चलते हैं, यहाँ तो सारे काले काले बैठे हैं काले काले और अरे कलकत्ते की ओ भाई अरे कलकत्ते की बंदर गाते सात समुंदर पार गई हो ब्रह्मा और रंगून चीर बगदाद एशिया से पार गई अरे ठकी विलोसिसी हो तान कोरिया सिद्ध का पुले वो कंधार गई और इन मुल्कों में पति मिला ना फिरती फिरती हार गई इन मुल्कों में पति मिला ना फिरती फिरती हार गई इंग्लैंड मिसरी ईरान घूम के अफ्रीका जापान चली होटल पर खान पीन का सब ले सामान चली और अफ्रीका कोई खातरे सावतरी प्रदान चली होटल पर मंडाना से दादा बजरंग जी शर्मा पंडित जी 100 रुपए सम्मान करते हैं और ये गांव पप्पोसा दिलबाग जी चौधरी वो भी 100 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बाबूलाल जी शर्मा ना बाबूलाल जी शर्मा दादाजी वो भी 100 रुपए सम्मान करते हैं। और श्रीमान महावीर जी शर्मा बापोड़ा से और बहन साहब और ये प्रदान करते धन्यवाद पप्पोसा के निवासी साधु राम जी जांगड़ा ये अफ्रीका है अफ्रीका आ गई लेकिन यहाँ तो सारे हफ्सी बैठे हैं। और ये 100 रुपए दादाजी
राजेंद्र जी शर्मा बापोड़ा निवासी बेटे हाँ राणा पिछाण कर ले सबका ठप्पा लगा ले अच्छा हाँ, 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 वो देख ले करे सुर बिखराए और ये ऋषिपाल जी चला जी ये ऋषिपाल जी ठेकेदार साहब वो भी 101 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और देखो न्यू बाण पड़ जाएगी धीरे धीरे कोई बात नहीं पड़ जाएगी और ये ग्राम पूरिया से रमेश जी मेंबर साहब रमेश जी मेंबर साहब ग्राम पूरिया से वो भी 101 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद लंबरदार साहब कमल सिंह कमल सिंह जी लंबरदार साहब 101 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और नंबर 3 में वो अमरीका जापान अरब तक वसावत रीबे दहक गई हजर मन रूस मिलात के गोरे देख के तबीयत भड़क गई देश विदेश घूम के देखा लोगों ने ईद लोग की रड़क गई फिर हरियाणा यूपी पहुंच के देहरादून की सड़क गई हरियाणा यूपी पहुंच के घोड़ियाला उनकी तरफ से 101 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ए मेरी बात सुन ले हाँ। दे। ए भाई रोई रांड तू भी 70 दिवाली चाटरी है अच्छा ये जंगल बियाबान आ गया अच्छा। और सावित्री का पति नहीं मिला देखो हाँ। ये देहरादून के जंगल है हाँ। हम इन जंगल में चलेंगे पर बहन हाँ। अड़े तो रीच बंदर शेर भगेरे चित्ते अच्छा देखे यो देसी लंगूर की सुर लखावे देखिए अच्छा मेरी बात सुन ले नंबर आखिरी की बहुत घूम ली पति मिला ना ओ मारी सफर का सांस गई हो नगर शहर कस्बे न छोड़ के सावित्री मरो पास गई ओ गुरु मंगल चंद कहे ओ सावित्री की ओ बन में पूरी आस गई जोड़ सत्यवान लकड़ी काटे था आज तोड़ के ओ पास गई सत्यवान लकड़ी Very
वेरी गुड। बहुत घूमली पति मिला ना मार सबर का सास गई और नगर शहर कस्बे ने छोड़ के सावित्री बनवास गई। गुरु मंगल चंद सावित्री की होपड़ में पूरी आस गई। सत्यवान लकड़ी काटे था बाज दौड़ के पास गई। गुरु चंद्र लाल निघा छोरे पे पन के तीक्षण बाण चली और ओटन पेरन खाने पीने का लेके सब सामान। अच्छा बहन, और ये दादरी ग्रुप की तरफ से स्पेशल 100 रुपये इनाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खुड़का सा हो रहा सी। हाँ, एक काम करो, खुट खुट की आवाज आ रही है। रत्वान, इस आवाज का पता लगाओ, ये आवाज कहाँ से आ रही है। देखिए सावित्री जी, मैं तो जाऊं को ना। क्यों क्यों कह नहीं बोलो, अगलो भी मानस। अच्छा, और मैं भी मानस तो बाठा था बाठो टकराव जब आएगी पट छोरिया ने भेज दे। अच्छा, क्यों है लाल लुगड़ी ने वरदान से वरदान या लाल लुगड़ी जो खुंड पे भी गिर दे। अच्छा, तो बूढ़ो को सारा बैठ के रात काट दे। ठीक है, आप इनको भेज दीजिए। लाल लुगड़ी देखता है हमारी बात सुन ले। हाँ। जावे हम भी को नहीं। क्यों यो से भी रहने लोग। अच्छा, पत्नी पहलम पहल के कर दे कर दे। हाँ, बिना ही बात कर दे। मैं रहो रे ना बेबे, मेरा तो छोरा रोता होगा। देखिए, मैं तो अपने छोरे ने चुच्ची भी नहीं पिया गया। देख यो सूख गया चुच्ची के फिकर फिकर में। यो छोरा का जाड़ो लगवा के लिया और शोर से। मेरी बात सुनिए, आप इनके साथ भेजाओ। ठीक है, और पता लगा वो ये आवाज कहाँ से आ रही है। हेलो श्रीमान जी, प्रणाम। हमने कहा, मैंने कहा प्रणाम। नमस्कार जी। ओ बड़े मानस छोरी, ओ लकड़ हरे, ये तो निरोड़ा लकड़ कटनिया है। श्रीमान जी नीचे आओ। ओ मारी बात सुन ले। अच्छा जरा दोबारा बोल। ओ लकड़ी कटने वाले, हाँ करो नाम से बात। सुनिए चली जाने थे, और काम का समय है करो नाम से बात। लकड़ी उस्ताजो बिल्कुल मीठे मीठे साथ बोल, समझ में आने चाहिए। अच्छी आवाज है। हाँ बिल्कुल आराम से ये बात बोल बेटे। पियाया कबारा बे पूछने कोठे अरे एकले कमर की जान फंदे में फेरी और किसके लिए बेरी। अच्छा, करो से कुमार काम का समय है तुम करो बात। हमसे मुलाकात काम का
से ओ अभी आपने कहा जी इतनी मेहनत किसके लिए करते हो? किसके लिए करते हो? मैं अकेला नहीं करता और ये सारी दुनिया करती है। ठीक बात। किसके लिए? किसके लिए? इसके लिए। सुनिए, गुजारे के लिए ये दुनिया, गुजारे के लिए ये दुनिया करती है धंधे गिराते कुटम के तारे कितने संबंधे गुजारे के लिए ये दुनिया करती है धंधे गिराते कुटम के तारे कितने संबंधे मौत पिता से अंधे। अच्छा, मौत पिता से अंधे पण में वो रहते मेरे साथ। काम का समय है बताइए। आना पड़ेगा तुमको। जबरदस्ती है क्या? हाँ, आना पड़ेगा तुमको। अच्छा, छोड़े रफेरी ऐसा सच्ची बता रहे तने सोहना क्यों मेरी। आना पड़ेगा तुमको छोड़े लकड़ हारे तेरी मन सब तेरी ने चाहते काम का ओ करो ना हम सेवा लकड़ी कटड़ी आड़े कर हमसे मुलाकात। अरे काम का समय है करो ना हम सेवा लकड़ी कटड़ी आड़े ये श्रीमान लीलू जी प्रधान जी दिनोद से सौरभ सम्मान कर रहे हैं आज के इस कार्यक्राम में। और ये सौरभ श्रीमान रामफल जी शर्मा और इस बच्चे का बहुत से सज्जनों ने जो मान सम्मान किया है उन सभी सज्जनों का धन्यवाद। जो जो सज्जन इस बच्चे का सम्मान किया है सभी का धन्यवाद। ये मास्टर जी गोरीपुर से स्पेशल 100 रुपए मेरे नाम के देते हैं। अच्छा जी, खलीफा साहब ने भी दिया 100 रुपए। दादा क्या नाम बताया था उन्होंने? ये श्रीमान सज्जन कुमार जी, सज्जन कुमार जी पंडित जी भी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बात सुनिए। नहीं हाँ, तुम्हारा प्यार हो मुझे तो
ना सुन ले ध्याजा सुनइए पण मैं फिरा क्यों पण मैं फिरा क्यों एकली बिचारी ओ गुरु चंद्र लाल दुख हाँ? पिया भी ननारी पण मैं फिरा क्यों एकली बिचारी ओ गुरु चंद्र लाल दुख पिया भी ननारी बेवफा हो थारी बेवफा हो थारी इन वो औरता की जा लकड़ी कटड़ी आवे हमसे मुलाकात काम का समय है करो ना हमसे बात मैंने कहा नीचे उतरिए ये छोरी और ये हमारे थानेदार साहब श्रीमान जगपाल सिंह जी थानेदार साहब जगपाल सिंह जी 100 रुपए सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद ये 100 रुपए टेकाराम जी और 100 रुपए श्रीमान वेद प्रकाश जी बापुड़ा से दोनों सदन 100 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप नीचे उतरिए मैं नीचे नहीं आया करूं ये छोरी तने नीचे उतारना ही कोनी आवे ये भी उतारने वाली कोनी नहीं तो बाजो उतरे मैं हेलो हेलो तुम्हारे पे डांट लगेगी क्या तुम याद रखोगे अच्छा जी बिल्कुल नहीं ये छोरी ये निर्भाग टाबर त्योहार न रुसे न तन्ने ब्याह करान और न छोरी न करो और जो ब्याह करावेगी हेलो आप तार लेगी चलो मेरी बेबे सावित्री आवेगी तेरी बेबे सावित्री आवेगी तेने समझा के जावेगी मन ने समझा के जावेगी हाँ लेकिन वो भी तेरी डाल नु ये पछतावेगी वो तेरे ते ब्याह करवावेगी मेरे ते ब्याह करवावेगी भाई इन बातों ने देखा तो मुश्किल ही घर बसावेगी तेरा इंटरव्यू लेके जावेगी मेरा इंटरव्यू लेके जावेगी हाँ। देखा दे सरेवा कब तक आवेगी अभी आवेगी लेकिन नुक्का की नहीं जावेगी हेलो ए बेबे ओहो जीजी आ गई तू ए मारी कोना मानी थारी कोना मानी कोन मानी नीचे नहीं उतरा अच्छा हाँ देखिए आपने उनसे तमीज से बात नहीं की समय थी। देखिए किसी भी प्राय मर्द से बात करें जी। तो कैसे करनी चाहिए जी मैंने कहा नमस्कार ए, मैं भी तो नहीं हुई थी ये तू ही पर तू कैल से कोटी कम हुई या जाता हुई ठीक है मैं जाती हूँ और पता लगाती हूँ चलना चाहिए वास्तव में दिखने में बड़ा सुंदर है बातें करनी चाहिए के मालूम काम बन जाए अजी मैंने कहा प्रणाम मैंने कहा नमस्कार प्रणाम के बात अजी श्रीमान जी राम राम नमस्कार प्रणाम ओहो नमस्ते 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 मेगा तेरी बुआ लागू थी ए बुआ लाग चाहे दादी लाग तू ही भी हुई कोन्या क्या बात है देखिए हाँ आप जरा पेड़ से नीचे आइए मैं पेड़ से नीचे आऊँ हाँ मैंने तेरे से तो बात करनी से दो पहले और भी आई थी वो मेरे साथ में थी मैं समझ गया तारा सारिया के एक के बीमारी से बीमारी बीमारी ने तू डॉक्टर सराम जोस हाँ बीमारी हाँ किस बात की अरे वो भी नहीं कहती पेड़ तो नीचे तू भी नहीं कैसे पेड़ तो नीचे हाँ। मेरे तक काम कैसे वो बता काम हाँ जितना जरूरत हो तो पेड़ का छोटा तार दूं जी नहीं नहीं ना मोटे मोटे लकड़ काट दूं बिल्कुल नहीं तो फिर पतले पतले लीकड़े तोड़ दूं लीकड़ा हाँ हाँ मेरा शेर लीकड़ा तोड़ियो काम बाकी सही देखिए हाँ मैं आपसे तू मेरे से ब्याह करना चाहती हूँ ब्याह हाँ यो ब्याह किसा हो सब लोगो ब्याह पित्तल को सबाई क्या कला गयो ब्याह सत्यानाश का पेट गए देखिए मैं तेरे तो ब्याह नहीं करूंगा
ब्याह नहीं करोगे ना तो फिर न्यू करो हाँ सगाई कर लो सगाई हाँ यो सगाई क्यों याग रहे यो ब्याह को पहलो दिन मैं नहीं करूंगा तो फिर मुकलावा कर लो मुकलावा गोना ये मुकलावा क्या होता है यो देवी देवता दो क्या करे वो दिन मैं नहीं करूंगा तो फिर फेरा करवा लियो ना माला गलवा लियो ना कोर्ट मैरिज ना लव मैरिज ना मैरिज अरे ना तो तू खर्च करवा ले अरे तो किमी तो करवाए ने ने और बात मेरी बात सुनिए हाँ बताइए शादी करना बुरी बात नहीं है सबसे बुरी बात शादी करना है और देखिए मैं तो आपसे मिलने के लिए कितनी दूर से आई हूँ मैं इसी मुलाकात करा को नहीं करूँ अच्छा हाँ तो जरा मेरी बात सुन ले बता दे हाँ जी बहुत अच्छे मदन जी सुनिए हाँ कह दे एक बार आ जाइए यहाँ पर जाइए यहाँ से अच्छा। तनिक में कहना है तो कह दे उत्तर पे डिटे शाबाश आए रनवली के तू उतर चली जा अच्छा हम लकड़ी काटन आए और क्यों खोवे से टेम चली जा हम लकड़ी काटने वाले अच्छा हाँ घना टेम बर्बाद हो रही है मेरी बात सुनो हाँ एक ही बात हाँ भाई हर तेरे मिलन की वो बात बात में कहनी हाल हो लई मने ओ ये चाल गिरना तेरे पे तू चाहवे से कती जाने हो लई मने हे जी शादी का मोह जाल करूं पिया समझ काने हो लई मने ये रसती बिना मलंग हंडण की रोज तेरे इस मतलब के काटने आले उतर पे दिते एक दे क्या बात है कृष्ण जी चौधरी ग्राम माणेरू से दोनों के लिए 100 रुपए सम्मान करते हैं और ये हमारे दादरी ग्रुप की ओर से दोनों के लिए 100 रुपए से और सम्मान होता है बहुत बहुत धन्यवाद ये
श्रीमान मिस्त्री जी, धर्मपाल जी मिस्त्री, अपनी तरफ से दोनों के लिए 100-100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मास्टर जी श्रीमान सुरेंद्र जी, मास्टर जी श्रीमान सुरेंद्र जी गौरीपुर से दोनों के लिए 100-100 रुपए सम्मान करते हैं इसी रागनी में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बापोड़ा से श्रीमान रमेश सिंह जी और दादा ओम प्रकाश जी, दोनों की तरफ से 100-100 रुपए यानी 200-200 रुपए दोनों के लिए सम्मान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और ये मदन लाल जी शर्मा दादाजी बजीना से दोनों के लिए 100-100 रुपए सम्मान करते हैं। और ये श्रीमान कृष्ण सिंह जी खलीपा, कृष्ण सिंह जी खलीपा मानेरू, मानेरू से कृष्ण सिंह जी खलीपा मानेरू से दोनों के लिए 100-100 रुपए सम्मान और करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रीमान जय सिंह जी, ये भी अपनी तरफ से दोनों के लिए 100-100 रुपए सम्मान करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये श्रीमान जगतपाल जी पीटीआई जी चौहान साहब दिनोद से, अपनी तरफ से पीटीआई जी 100-100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई राजपाल जी गुजर बजीना से, ग्राम बजीना से, दोनों के लिए भाई 100-100 रुपए सम्मान करते हैं। भाई ये बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि बजीना में भी गए थे तो उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमान मामराज सिंह जी, श्रीमान मामराज सिंह जी ग्राम बापोड़ा से, अपनी तरफ से दोनों के लिए 100-100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बात सुन ले, हाँ जी, ब्याह शादी न्यू न्यू आ करते तो ब्याह शादी किस तरह होती है? तेरे नाम का बताना, तेरे गांव का बताना, तेरी जात का बताना तो पूछ ले, पहले बता दे। हाँ जी कहिए। तू तो रहने आई हो रबता कड़ा घर काम तेरा, मम गद देश में अच्छा रहया करू सू सावत्री से नाम मेरा, इस पण खंड में एकली हंडन का सावत्री के पार तेरा, आशिक काले ओ नाग जहर ओ कदे नारे पाटन वाले के निवासी, ग्रामपुर के निवासी श्रीमान हवा सिंह जी लमड़दा तमर, हवा सिंह जी तमर, अपनी तरफ से दोनों के लिए 200-200 रुपए सम्मान करते हैं। और ये श्रीमान मदन सिंह जी ग्रामपुर से, दोनों के लिए 100-100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कंत 400 से तक घना ले रही है। और ये ग्राम मढ़ाना से अच्छा दादा बजरंग जी शर्मा जी, पंडित जी महाराज, 100-100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत। और ये ग्राम बापोड़ा से राजेंद्र जी शर्मा अच्छा दादाजी, वो भी 100-100 रुपए सम्मान करते हैं। और ये ग्राम पप्पोसा से दिलबाग सिंह जी चौधरी, वो भी 100-100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलती है, हाँ बोलती है, ये ग्राम सिवाड़ा से महेंद्र जी सोनी और वीर सिंह जी राजपूत, दोनों की तरफ से 100-100 रुपए सम्मान होते हैं। और ग्राम धन्यवाद, तन बोल दिए ना। और ये बापोड़ा से पंडित जी महाराज श्रीमान महावीर जी शर्मा, जो हमारे गौशाला में केसियर साहब हैं, अपनी तरफ से दोनों के लिए 100-100 रुपए से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
भिवानी से श्रीमान रामनिवास जी, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। इसी राग ने भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेटे शरीर एक दिन वो कट जा मेरम लोटे में देख राज पाट का आनंद छोड़ी तन के फायदा दुख वोटे में ओ मैं तेरी गेली लकड़ी डोलू दूसात न फे और टोटे में रंग छटने वाले हम अपने आप चारू बबावली किसी के दुख बांटने वाले भाई साहब वीर सिंह जी, भाई साहब वीर सिंह जी घोड़ी वाले अपनी तरफ से प्रेमी सजन 100 रुपए प्रदान करते हैं। स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए के विधायक कृष्ण जी योगी, कृष्ण जी योगी वो भी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है? हाँ बता दे। श्रीमान सूरत सिंह जी ग्राम दिनोद से 100 रुपए सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ताऊ रतिभान उक्की आला अपनी तरफ से दोनों के लिए 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुरा डूडी आला से लमड़दार साहब श्रीमान कैलाश जी, अपनी तरफ से प्रेमी 100 रुपए सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए श्रीमान जी, बात सुन ले, मैंने जो अपनी बात कहनी थी वो कह दी है, अब मेरी भी सुन ले जवाब। आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? नो नहीं करना चाहता शादी। और ये हाँ। दादा रामफल जी शर्मा, दादा रामफल जी शर्मा दिनोद निवासी 100 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, करवा के लोगो जन्म कैद हो फिर जीन खाड़े हो कर ब्याह करवाए बिना गबरू लुंगाड़े हुआ कर देखे भर वशे में यो कुटुम फैल जा फिर घने पवाड़े रहो कर जिस घर में बालक और बहु नहीं वो और भाग के मारे हुए करे गुरु चंद्र लाल
सठन आले और खोदनिया से एक जगत में लाखों हो आने वाले। नंबर आखिरी बात, आखिरी बात सुन ले। हाँ, कि ब्याह करवा के जन्म कैद हो जी, ब्याह करवा के जन्म कैद हो फिर जी न खड़े होया करे, और ब्याह करवाए बिना गाबरू उतलूंगाड़े होया करे, लेकिन घरवासे में तो कुटुंब फैल जा। बिल्कुल, घरवासे में कुटुंब फैल जा फिर घने पवाड़े होया करे, और जिस घर में बालक बहू नहीं वो भाग के मारे होया करे। कहे चंद्रलाल भगवान भगत के टूटे मन सठन आले और खोदनिया से एक जगत में लाकू हो आटन आले। सरपंच साहब श्रीमान राम भगत जी जो अपनी तरफ से 200 रुपए से पहले सम्मान कर चुके हैं और 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। सरपंच साहब श्रीमान राम भगत जी बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री हाँ, निर्भाग टाबर त्योहार न रुस। बिल्कुल, जय छोरा बूढ़ा ने भी न्यू कह दी। अच्छा, अग बाबा तेरो ब्याह कर दिया। हाँ, जब बाबो के गयो टेम तो कोन्या जी, और तारा जचगी तो देख लो भाई। हाँ, रे तू न टलाग रे। और ये ग्राम बापोड़ा से सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद समिति, बापोड़ा से हमारे पंडित जी महाराज, सियाराम जी, मुकेश जी, सारी कमेटी की ओर से आज के इस कार्यक्रम में बतौर आशीर्वाद 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं भाई। कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे शर्मा जी, मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सियाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सारी कमेटी का ही कोटि कोटि धन्यवाद जो आशीर्वाद दे रहे हैं 500 रुपए से। धन्यवाद। बिना तो कोई चूल्हा की आग भी खोल नहीं दे। ये श्रीमान सुरेंद्र जी गोयत ग्राम कुंगड़ से अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपए सम्मान करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अबला, हाँ, मैं शादी नहीं कर सकता। देखिए, हाँ, क्यों नहीं कर सकते शादी? क्योंकि मन में औरत जाति का विश्वास कौन है? औरत जाति का विश्वास नहीं है जी। फिर एक बात बताइए, हाँ, आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा हुआ नहीं। तो फिर हो सकता है? अच्छा, हाँ, कैसे? हमारे विद्वान कहते हैं जहाँ सुनने वाले होते हैं ऐसी बातें बताई जाती है। हाँ, बिल्कुल, सुन गौर से। हाँ, सजनो दादा ने एक बात लिख रखी है इस औरत जाति के बारे में जी। कहते हैं बाण आले की बाण नहीं जा। अच्छा, बाण आले की बाण नहीं जा, चाहे चारों वेद पढ़ा ले और तिरिया अपनी ना होती, चाहे कितने लाड लड़ा ले, औरत के कितने लाड चाव प्यार कर ले, लेकिन वो अपने मन का भेद मर्द को नहीं देती। नहीं देती। हाँ, अच्छा, सुन ले बात पहली। हाँ, तारी आदत हो जाए। कौन सी? तिरछी तिरछी नजर देखो। कैसे? हाय हाय, वाह, तिरछी तिरछी नजर देखोगे टी में नस कोन्या, अरे जान मर्द की लो मुट्ठी में चाल बस कोन्या, ये मर्द सारे वफा होते पर तिरिया ने जस कोन्या, अरे नस नस के मा जहर भरिया, पोरी पोरी में जहर भरिया, कितने भी रस कोन्या। अच्छा, गुद्धि पछ मत पावे वीर बनी के, गुद्धि पछ मत पावे, चाहे किसी छाट के ब्याले और तिरिया अपनी ना होती, चाहे कितने लाड लड्डा ले। अच्छा, तू कौन से? मैं का साथ आयो छू। सारथी है यो? बिचोला है यो? बिचोला बिना नौकरी को ना। आगे आ जा। आगे क्या जाऊं? हाँ, अरे तने कोई एक खरीटा की डाणी का दापली का नाम याद कर रखे? अच्छा, ये औरत बहुत भली होती है। अच्छा अच्छा, ये मर्द बड़े बेदर्द हैं। हम्म, तेरे को प्रमाण दूंगा इस बात का। औरत भली और मर्द बेवफा। बेवफा लोगो, एक तो बीरबानिया का पक्का चमचा यो, बीरबानिया को पक्को चमचो तेरो बाप दादो गोरगण खराक, बीरबानिया का चमचा सही। क्यों करे? तेरे को महाभारत का लेख बताऊंगा। बताइए। ये नहीं बता के जाना। हाँ बता दे। सती सातवी शकुंतला, महाभारत के मतलब शकुंतला के साथ में मर्द ने धोखा किया। धोखा गया कैसे? सती सातवी शकुंतला जो दुष्यंत ने ब्याई थी, अरे शादी करके छोड़ गया, फिर दिल तक ठुकराई थी। अच्छा, बाट देख के पति की खतर चल इंद्रप्रस्थ में आई थी, वो न्यू बोला तू कौन कड़े की बुरी तरह दमकाई थी, लेके कोरडा मारन लगा कर दई घर से बाहर पिया, और बार बार अजमारा कैसे सो मतलब के यार पिया। अरे मतलब ही है लोग तो। हाँ, बीरबानी की बात तो मोटे और जाने। बात सुन ले भाई है,
तू इसकी बड़ाई घनी करे है ना, इनका स्वभाव का तने बेरा कोनी। मैं स्वभाव भी देखा बीरबानी का। हाँ हाँ बता दू तने का स्वभाव किसा हो से। बीरबानी तो मैं न्यू पौसा दू जब बखड़ भैंस न पौसाया करू। अच्छा हाँ। बात सुन ले, इनका स्वभाव का कोनी बता तने, इनका स्वभाव किसा हो जिसा मस्त ऊंट, मस्त ऊंट कटखाना घोड़ा पर त्रिया के हो से, अरे बिच्छू केचू सर्प और ग्योरा खुद पालने आने खास। ये ऊपर ते मिठी बोले, ऊपर ते मिठी बोले पर भीतरला मैं धोर से और कसम मार के खुद सती हो जिया। लोग दिखावा मुंह से, लोगो काला सर्प अपना नहीं होता, काला सर्प अपना नहीं होता चाहे कितना दूध पिला ले, और फिर अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड्डा ले। अरे दमयंती का रचा शंबर, नल के गल फुलमाल पड़ी, इंद्र दल जब चढ़ा कोप में, भूमि तक भी आल पड़ी, इंद्र सेना शादी की नी बाहरी विप्त कमाल पड़ी, राजता दिया जुए कमा वह संग बाल्यम कह चाल पड़ी, अरे बियाबान में सुत्ती छोड़ी लेगा साड़ी तार पिया, और बार बार अजमारा कैसे सो मतलब के यार पिया ले नल के अंदर दो बिखा पड़गा। दमयंती साथ गई, नल की धोती तितर लेके उठ गया, नल नग्गा रह गया, रात सूती हुई दमयंती की साड़ी पाट के बाजी को। यह मर्दा काम से, यह मर्दा काम से हाँ, शादी करनी पड़ेगी ये दादाजी। प्रकाश जी बजीना से, बजीना से हाँ, बजीना से एक शेक रुपए प्रदान करते हैं मेरी मजबूरी पे। तेरी मजबूरी पे कौन है, मैं गेड़ बहन तू आई समझ में, तू तो मैंने टेम दे सकते हाँ, और दादा तो प्रमाण पर पैसा दे। ये दोनों साइड तो मैंने घेर रखा है, इस साइड तो या कह शादी करनी पड़ेगी, यो कह शादी करनी पड़ेगी। बात सुन ले भाई, औरत की बारे में तने बता दू एक बात और। अच्छा। मेरे घर की बात को तर महाभारत का प्रमाण देश है ना, रामायण का प्रमाण ले, रामायण का हाँ। दादाजी आशीर्वाद होता है ब्राह्मणों का, बामणा का बीच में रूझू मैं चौकरदाई मेरे बामण से, पर लेकिन बैठ के सुनो ये बात। और ये श्रीमान कृष्ण सिंह जी खलीफा बराबर की ग्राम माने रूसे मेरे लिए 100 रुपए। ये मदन सिंह, ओम प्रकाश जी, मदन सिंह जी, मदन लाल जी शर्मा बजीना से जी 100 रुपए प्रदान करते हैं हाँ। और ये हरफूल जी चौकीदार साहब, देखो टक्कर तो बराबर की होगी अब, नहीं हरफूल जी चौकीदार साहब स्पेशल 101 रुपए दे रहे हैं। और ये गौरीपुर के निवासी मास्टर जी सुरेंद्र सिंह जी, वो भी 101 रुपए मन दे बस स्पेशल। बात सुन ले, सुना सजनो लोगों, सुनने की बात होगी, रामायण को प्रमाण सुनो हाँ। अगर पार्वती बन पार तार दिर नार डबो तरणी में, तरणी में अद्भुत रामायण में देखो 24 रामायण है, उसके अंदर एक रामायण है अद्भुत रामायण, उसके अंदर प्रमाण मिलेगा आपको, लेख मिलेगा अद्भुत रामायण में। देखो कहो नार की करणी में क्या क्या छल छिद्र भरे, उस रावण की गरणी में और गर्भपात करके दब्याई जा सीता ने तरणी में, मनोदरी का सीता जी हाँ, या बामणा की लिखोड़ी बात जी हाँ। जब मंदोदरी के गर्भ में सीता थी, मंदोदरी उसका गर्भपात करके हंडी में घाल के राजा जनक की सीमा का मदाब दी, 12 साल तक काल पड़ा, प्रजा त्राहे माम त्राहे माम त्राहे माम करने लगी। बीरबानिया का काम सिर फिर मन भकावे से, बामना को गांव से मैं त्रिटन तलक लिखड़ जाऊं अगर बीरबानी कटाई कर दिया, विद्वान ब्राह्मण लिया सुन तू तो काटा सन मोटेरा में कमी, मन देवता में कमी काट दी। अरे विष्णु ने, बहुत बड़ा प्रमाण है, यह विष्णु ने जालंधर बन के क्या वृंदा संग में भोग पिया, शिव शंकर ने सती तजी धारण कर दिया जोग पिया, यह जिंदगी भर ना कट सकता ये ईशा लगा दे रोग पिया, ये वीर बिचारी भोली वाली ये कपटी हो से लोग पिया, नंदलाल कहे न मर्दा खा कोड़ कर ले इतबार पिया, और बार बार अजमारा कैसे सो मतलब के यार, यार पिया। क्या पंडित जी की रचना ये, ओ भाई तू इन्ना बात सुन ले भाई, मैं तेरा का दो जोड़े हाथ अच्छा, और तू इसने ले जा क्योंकि मन ने बेरा है ये राजपाल जी, राजपाल जी गुजर गुजर
बजना से कुण सो गुजर सा खटाना प्रगट चनी जा डोई हाँ खटाना का ब्यारा खत्म हो रहा हाँ ठीक है बात सुन ले ये भी पोस वाला मरे से भाई हाँ। बात सुन ले पूरी देखिए हाँ। मैं शादी नहीं कर सकता क्यों और मन बेरा अच्छी तरह कि वीर बनी बड़ी हूं से अच्छा। ब्रह्मा विष्णु शिव से भी पहले सृष्टि पर शक्ति आई है तो फिर काट क्यों करे भगवान राम भगवान कृष्ण औरत के जम्या फिर क्यों मैं औरत के जम्या भाई फिर काट क्यों करता है भाई औरत की बुराई मैं क्यों करूं सो अच्छा। कि हम आदमी से तीन तीन हाँ या तने खा सके अरे खान का जिक्र कोन्या मारा तीन आदमिया का पेट भरना मुश्किल हो गया हाँ, अच्छा। अरे चौथा पेट के लगा लियो यो कितने भरूं अरे बावड़ा लाडीर गाडीर पड्डी यानी इनको पग फेर हो जाए तो तेरा अटके मौज उछा भाई मैं तन्नू ये बुराई करे था नहीं आगे बुराई सुन के या चली जागी और अपना पीछा छूट जाएगा राजा स्वपति की लड़की है हाँ। और बहुत धन्नाट घर है और गरीब लड़की दे गरीब न दे बराबर कह को देखिए हाँ। आप इस देवी को यहाँ से ले जाइए ये जाए नहीं मैं शादी नहीं कर सकता देवी जी आपसे माफी चाहता हूँ आप यहाँ से जाइए मुझे माफ कीजिएगा एक बार थोड़ा सा ये सम्मान कर रहे हैं भरत सिंह जी है ये भरत सिंह जी दिनों से दो मिनट सिर्फ ये तो आप आपकी उमंग होती है ठीक बात है क्यों ये? भाई न्यू क्या करें अगर भाई जाए खुशी हो जो मिले जाए तो मिल जाए हेलो कोई बात नहीं भरत सिंह जी ये करे जायत को जाड़ो से तारो ये श्रीमान भरत सिंह जी योगी हलवाई मास्टर सुभाष जी का 1100 रुपए की माला पहना करके स्वागत करते हैं आप भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ये भरत सिंह जी जहां भी प्रोग्राम होता है वहां और ये मान सम्मान करते हैं स्वागत और उसके बाद में ये भाई बबलू राणा राणा जी हाँ उनका भी 1100 रुपए की माला पहना करके छिड़ावा स्वागत झुंझुनू बड़ा रखाना हाँ जो मास्टर सुभाष जी का शिष्य है भाई बबलू राणा उनका भी स्वागत किया गया भरत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई भरत सिंह कोई दिक्कत नहीं अरे भरत सिंह ने क्या धन्यवाद दिया भरत सिंह तो भाई भरत सिंह से बार बार सम्मान करते हैं और सम्मान के अधीन हम हैं देखे देवी हाँ मैंने तेरे सामने हाथ जोड़ लिया तू यहाँ से चली जा नहीं जागी तो फिर मेरी तरफ से जयराम जी की देखिए हाँ शादी कर लीजिए हाँ। बिल्कुल नहीं कर सकता ओ पिया जा मत डट जा डट जा तू जा मत डट जा डट जा दादा छुटा देने गए ले ओ सुन बात मेरी ओ सुन बात मेरी और कह दे क्या कह दे दूर ते कैसे चाहत तेरी मत डट जाओ डट जा तू जा मत डट जाओ डट जा सुन बात मेरी सुन बात मेरी कह दे आज से पहले इस बियाबान जंगल इस बियाबान जंगल में मारे जैसे मानस आए हैं तुमसे मिलने के लिए आज से पहले तो नहीं आए सुन ले हाँ एक बात कह दे हे जी कदे ना आए होंगे आज तक हो मारे जिसे मेहमान हो जी थारे द्वारे गोरियो निर्धन निर्धन कंगाल
आदमी थर किसे धनवान डट सके न मारे जी आज आज ले डंडा हमें आई थारे थारे सारे कट जा क्या? एक रात मेरी एक रात मेरी जान गया क्या? जान गया वो लाग की रे वोली साथ तेरी हेलो और जा बदन जा हट जा सुन बात मेरी सुन बात मेरी कह दे तो दीवानी 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 तो दीवानी दीवानी जिन की दीवानी बलम की दीवानी सजन की दीवानी रतन सिंह जी राजपूत अपनी तरफ से 200 रुपए सम्मान करते हैं दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये पुरिया से ये ग्रहम पपोसा से श्रीमान साधुराम जी जांगड़ा अपनी तरफ से 200 रुपए सम्मान करते हैं और ये श्रीमान कृष्ण सिंह जी खलीपा पहलवान जी माणेरू से 100 रुपए से सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बात सुन ले देखिए हाँ शादी कर लो बिल्कुल नहीं क्यों अरे मार तो डटन की करी मार तो डटन की रे जगह नहीं तू तो ढूंढ ठिकाना वो और तो एक डंग धर के हर शिवा ओ पिया थारे सिवा कुने प्राण बचावे छाया अंधेरा घोर मर जा डर डर के मत रहा सुकाटी धिका मत रहा सुकाटी धिका गोर मर मर के दो दिन घर पे डटा आई दुख भर के घर पे डटा आई दुख भर के हाँ भर के नट जा रे नट जा अच्छा हाँ भर के नट जा रे नट जा हाँ बुरी जात तेरी बुरी जात तेरी ऐसी आदत नहीं है वही राजपूत हाँ 200 रुपए सम्मान करते हैं रामभूल जी राजपूत साहब बहुत बहुत धन्यवाद 200 रुपए प्रदान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नंबर तीन देखिए हाँ एक बात और सुन लीजिए वो कौन सी तू एक में ब्याह कर ले ब्याह तो एक बार ही हो सके बार बार हो या नहीं नहीं हाँ तेरा सारा रोग काट दूंगी रोग काट देगी हाँ के बाद नाड़िया वैद्य से सुन ले मेरी बात बता दे हो तेरा सारा दुख मिट जागा बावले वरले बहु जवान बन जा घर बारी ना 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 ना।
अच्छा तू तो अपने घर नहीं जा, जा। अच्छा? मैं नहीं करूंगा क्या कोई कहेगा मामा मामा मा। अच्छा कोई कहेगा दादी दादी आ कोई कहेगा घर कम जा अच्छा क्यों रही सफंद में फंसा अच्छा तू तो अपने घर नहीं जा सुले तेरा सारा दुख मिट जाएगा बावले बरले भवू जवान बन जा घर बारी गोरी घरवा से मैं देखे घरवा से मर कुटुंब फैल जा हो स दुख की खानिया दुनिया सारी नहीं आज बहू मर्द ते बोले ओ प्यारी प्यारी के कया बहु मर्द ते बोले प्यारी प्यारी न्यू कैसे बहु मर्द से बोले प्यारी प्यारी हाँ। लेकिन दो दिन प्यारी प्यारी बोल रहे हैं और तीसरे दिन ने तीसरे दिन की उम्मीद न बताऊंगा तीसरे अच्छा। दिन माजना काट देगी अच्छा सुनिए बहु मर्द ते बोले प्यारी प्यारी नखरे मारे नखरे नखरे में नखरे में रूसती डोले न्यारी न्यारी सारी विपता हो कट जाओ कट जा कब सारी विपता कट जाओ कट जा कब तेरे साथ मेरी तेरे साथ मेरी नानी भेगी अच्छा नानी भेगी नानी भेगी सारी सारी रात बाबा कांदपुर नौआरा तू तो सनो जुड़ के लाके तू तो सनो जुड़ के लाके उम्र डलारा दिल नहीं गुजरता मेरा सारा सारा दिल तेरे दिल नहीं ये श्रीमान कृष्ण सिंह जी खलीफा अपनी तरफ से अच्छा बिल्कुल बोल दूंगा ये कृष्ण सिंह जी हमारे रूह से खलीफा साहब 100 रुपए सम्मान और करते हैं आज के इस कार्यक्रम में और ये 200 रुपए नाम बता के गए थे अभी श्रीमान राजवीर जी राजवीर जी उस्ताजो राजगढ़ से ये राजवीर जी राजगढ़ से अपनी तरफ से 200 रुपए सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद और ये सरपंच साहब श्रीमान राम भगत जी जो अपनी तरफ से पहले भी काफी सम्मान कर चुके हैं और 100 रुपए से और सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और सज्जनों आप सभी के लिए खुशखबरी और दे दूं कि ग्राम मान